बीजेपी के सी आर पाटिल साहब एपोलो में दाखिल हुए, धर्मेंद्र सिंह अकूबा प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो ये लोग क्यों सिविल में नहीं जा रहे हैं। गुजरात में एक तरफ जहां कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तब दूसरी तरफ बीजेपी के हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष चुने गए सी आर पाटिल एक के बाद एक रैलियां करने में जुट गए थे। फिर क्या था, कुछ दिनों में नेताजी की कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आ गई। कोरोना के नियमों के उल्लंघन करने पर तो सियासत गरमा ही रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने नेताजी के प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने पर सवाल दागना शुरू कर दिया है। कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। निजी अस्पताल में इलाज करवाने को लेकर कांग्रेस की नेता ने बीजेपी को बहुत कोसा। ये दावा सरकार जब करती है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वहीं पे आ जाइए, वहाँ ट्रीटमेंट अच्छी हो रही है, यहाँ दर्दी को जल्दी से जल्दी रिकवर हो रहे हैं, तो इनके जो मिनिस्टर धारा सभ्य हो या पदाधिकारी, बीजेपी के सी आर पाटिल साहब एपोलो में दाखिल हुए, धर्मेंद्र सिंह अकूबा प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो ये लोग क्यों सिविल में नहीं जा रहे हैं। अगर सरकार को यह है कि अपनी हॉस्पिटल है, हम ये सब कर सकते हैं, तो भाई आपका पदाधिकारी को भी बोलो ना, वहीं जाके एक बार देखे तो सही कि यहाँ एक घंटे के सोने में कितनी कष्ट हो रहा है और पेशेंट की जिस दशा क्या हो रही है। तो ये लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये हॉस्पिटल के अलावा मृत्यु का रास्ता जहाँ से निकलता है वो इनकी सिविल से जा रहा है। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सी आर पाटिल की नियुक्ति के बाद सूबे में सियासत उफान मार रही है, क्योंकि राजकोट की रैली के बाद सी आर पाटिल के साथ कई नेता और विधायक भी पॉजिटिव पाए गए हैं और कांग्रेस इसका भरपूर फायदा उठा रही है। राजकोट से नीलेश शांगिया की रिपोर्ट, गुजरात तक।